बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्रिमिनल लॉ में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ केसेस फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट्स टू अनदर। रेलिवेंट प्रोविजन डील करती है सेक्शन 526, 527, 528 सीआरपीसी। क्रिमिनल केस कौन सी अथॉरिटी एक अदालत से दूसरी अदालत में ट्रांसफर कर सकती है? ये हाई कोर्ट सेक्शन 526 सीआरपीसी के तहत ट्रांसफर कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट 527 सीआरपीसी के तहत ट्रांसफर कर सकती है, और सेशन कोर्ट सेशन जजेस अंडर सेक्शन 528 सीआरपीसी के तहत ट्रांसफर कर सकती है केसेस को। ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस बाय द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 526। 526 के तहत हाई कोर्ट कब कब केसेस को ट्रांसफर कर सकती है? ऑनरेबल, हाई कोर्ट सेक्शन 526 ज़वाफे के तहत किसी भी सब ऑर्डिनेट कोर्ट से किसी दीगर मातहत अदालत में मुकदमे को ट्रांसफर कर सकती है, और ये ट्रांसफर इक्वल ज्यूरिसडिक्शन वाली अदालत में भी किया जा सकता है और सुपीरियर ज्यूरिसडिक्शन वाली अदालत में भी किया जा सकता है, और हाई कोर्ट खुद भी इसकी समाअत कर सकती है। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 526, इस ट्रांसफर का मकसद 526 सीआरपीसी के तहत क्या है? ट्रांसफर क्यों किया जाएगा, इसका मकसद क्या है? सेक्शन 526 के तहत मुकदमे का तबादला करने का बुनियादी मकसद बेसिकली ये है, टू प्रोवाइड कन्वीनियंस टू द पार्टीज एंड विटनेसेस, पार्टी और गवाहन की आसानी के लिए कि वो कोर्ट में प्रोसीडिंग को परसू कर सकें, और इस अमर को यकीनी बनाया जाएगा कि इंसाफ बिला शुबा मुहैया किया जा सके। मोड्स ऑफ ट्रांसफर केसेस अंडर सेक्शन 526 सीआरपीसी, ये किस किस तरीके से किए जा सकते हैं? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द इंटरेस्टेड पर्सन, किसी भी शख्स की तहरीरी दरख्वास्त पर यह ट्रांसफर किया जा सकता है जो कि इंटरेस्टेड पर्सन होगा केस से मुतालिक। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लोअर कोर्ट, ये लोअर कोर्ट की एप्लीकेशन पे भी किया जा सकता है, सो मोटो भी किया जा सकता है, अदालत आज खुद भी इसको ट्रांसफर कर सकती है एक अदालत से दूसरी अदालत में। एप्लीकेशन बाय द इंटरेस्टेड पर्सन, जब कभी कोई इंटरेस्टेड पर्सन एप्लीकेशन ट्रांसफर एप्लीकेशन देगा सेक्शन 526 के तहत, तो देन इंटरेस्टेड पर्सन में कौन कौन शामिल है? कानून ये कहता है एनी पर्सन मेकिंग द एफआईआर इंटरेस्टेड पर्सन हो सकता है, एनी विटनेस ये भी इंटरेस्टेड पर्सन हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड पर्सन हो सकती है। ट्रांसफर एप्लीकेशन शैल बी सपोर्टेड विद द एफिडेविट अफर्मेशन एक्सेप्ट टू दिस क्लाज। इसके अलावा जो है, अगर एप्लीकेशन एडवोकेट जनरल की तरफ से होगी तो फिर एफिडेविट नेसेसरी नहीं होगा, अदरवाइज इंटरेस्टेड पर्सन की तरफ से जब भी कभी ट्रांसफर एप्लीकेशन आएगी ये सपोर्टेड विद एफिडेविट होगी। इफ एप्लीकेशन मेड बाय एन अक्यूज, अगर कोई मुलजिम एप्लीकेशन देता है ट्रांसफर एप्लीकेशन, तो हाई कोर्ट हुक्म दे सकती है दरख्वास्त दहिंदा को कि वो विद आर विदाउट शोरिटी एप्लीकेशन दायर करे, जो कि अदालत के हुक्म करने पर यह रकम जो है एज ए कॉस्ट एज ए कंपनसेशन ऐसे शख्स को दी जा सकती है जो उस दरख्वास्त को अपोज करेगा। इन केस के अगर एप्लीकेशन झूठी हुई तो ये एज ए कंपनसेशन अपोजिट पार्टी को दे दी जाएगी कॉस्ट। फॉल्स एंड वेक्सेशियस एप्लीकेशन, झूठी दरख्वास्त देने की सूरत में अदालत हाई कोर्ट दरख्वास्त गुजार को जुर्माना बतौर हरजाना भी कर सकती है। जो भी पार्टी एप्लीकेशन देगी फॉल्स, वो अपोनेंट पार्टी को ये जुर्माना पे करने की पाबंद होगी। एप्लीकेशन बाय लोअर कोर्ट, तीसरी सूरत हाल ये है कि अगर एप्लीकेशन बाय लोअर कोर्ट, ट्रांसफर एप्लीकेशन लोअर कोर्ट की तरफ से आती है तो इसकी क्या सूरत हाल होगी? अदालत हाई कोर्ट मातहत अदालत की दरख्वास्त पर भी ये कर सकती है मुकदमे को एक अदालत से दूसरी जगह ट्रांसफर, और अदालत आज खुद भी इसको सो मोटो भी कर सकती है, आज खुद नोटिस भी ले सकती है ट्रांसफर। ग्राउंड्स फॉर ट्रांसफर ऑफ केसेस 526 के तहत ग्राउंड्स क्या होंगे, कब कब अदालत ट्रांसफर एप्लीकेशन को इंटरटेन कर सकती है, इसके ग्राउंड्स क्या होंगे? वेन फेयर एंड इम्पार्शल ट्रायल नॉट पॉसिबल, जब फेयर इम्पार्शल ट्रायल पॉसिबल ना हो करना, तो 526 के तहत ट्रांसफर एप्लीकेशन इंटरटेन हो सकती है। अनयूजुअल डिफिकल्टी इन क्वेश्चन ऑफ लॉ वेयर डीन ऑफ ऑफेंस इज नेसेसरी फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, जहां जुर्म हुआ हो उस जगह पर इंक्वायरी या ट्रायल करना जरूरी हो, तो फिर सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए भी ये ट्रांसफर किया जा सकता है। कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस, पार्टीज की सहूलत के लिए और गवाहान की सहूलत के लिए कि वो अदालत में पेश होकर प्रोसीडिंग को फेस कर सकें, उसको कंटिन्यू कर सकें और सू कर सकें केसेस को, तो उनकी सहूलत के लिए भी ये ट्रांसफर एप्लीकेशन को इंटरटेन किया जा सकता है। एंड्स ऑफ द जस्टिस रिक्वायर्ड, तो देन भी अदालत जो है ट्रांसफर एप्लीकेशन को इंटरटेन कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, टू ऑफेंसेस कमिटेड इन द सेम ट्रांजेक्शन केस में बी ट्रांसफर टू अ मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई बोथ केसेस, अगर एक जगह पर ऑफेंस का ट्रायल हो रहा हो और सेम ट्रांजेक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ हो और वो दीगर अदालत में अगर चला जाए, तो देन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस, अदालत इस केस में भी ट्रांसफर कर देगी मुकदमे को उसी अदालत में जहां ऑलरेडी केस चल रहा है, क्योंकि सेम ट्रांजेक्शन में ऑफेंस कमिट हुआ है। बेशक उसकी एफआईआर सेपरेट होगी, लेकिन ये ज्वाइंटर ऑफ चार्ज के तहत वहीं समाप्त हो सकता है केस।
हाई कोर्ट कैन पास दी फॉलोइंग ऑर्डर्स, कोई भी जुर्म की इंक्वायरी और ट्रायल ऐसी अदालत से हाई कोर्ट करवा सकती है जो कि अदरवाइज कॉम्पिटेंट है, चाहे ऐसी अदालत सेक्शन 177 या 184 के तहत इख्तियार ना भी रखती हो। कोई भी केस या अपील एक मातहत अदालत से दूसरे मातहत अदालत या आला अदालत के पास तबादला करने का अख्तियार हाई कोर्ट के पास है। कोई भी केस या अपील आज खुद भी तबादला हाई कोर्ट कर सकती है। किसी भी मुलजिम के मुकदमे की समाअत अदालत खुद भी कर सकती है और सेशन कोर्ट को भी ये इख्तियार दे सकती है कि वो भी इस केस को ट्रांसफर कर सके। एक्सेप्शन है 526 CRPC की, अगर सदर ममलिकत या गवर्नर किसी अदालत के जज या पब्लिक सर्वेंट के मुकदमे के लिए किसी अदालत को मुकरर करे 197 ज़वाद फे के तहत, तो अदालत हाई कोर्ट सेक्शन 526 के तहत मुकदमे का ट्रांसफर नहीं कर सकती। ये थे तमाम ट्रांसफर के मामलात कि कब कब ऑनरेबल हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है केसेस का और कब नहीं कर सकती। लास्टली ये कह सकते हैं कि सेक्शन 526 के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट का अख्तियार है कि वो इन तमाम ग्राउंड्स को कंसीडर करते हुए एक क्रिमिनल केस को दूसरी क्रिमिनल अदालत में ट्रांसफर कर सकती है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी ये अख्तियार है सेक्शन 527 के तहत कि वो भी इन तमाम ग्राउंड्स को जब भी कभी सामने आएंगे एंटरटेन करते हुए केस को ट्रांसफर कर सकती है। इसी तरह सेशन जजेस की भी ये तमाम पावर्स हैं सेक्शन 528 CRPC के तहत, जब भी कभी ये ग्राउंड सामने आएंगे और एप्लीकेशन सामने आएगी और ये कानून के मुताबिक जो जो इसमें ग्राउंड्स बताए गए हैं इनको एंटरटेन करते हुए ऑनरेबल सेशन कोर्ट भी केसेस को ट्रांसफर कर सकती है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।